अस्सलाम वालेकुम। कुवैत के अंदर एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है भाई लोगों। कुवैत में एक पुलिस वाले को एक सीरियाई ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा, चाकू बार बार घुसा के उसको। उसके बाद में वो वहां से फरार हो गया, लेकिन जब आए एक एमरजेंसी टीम, एक एमरजेंसी फोर्स को भेजी गई उसको पकड़ने के लिए, तब जाके काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद वफरा के अंदर उसको ढूंढा गया। फिर वहां से फायरिंग की गई और वो बहुत ही घायल हो गया। उसके बाद में जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तब वहां पे उसकी भी मौत हो गई। ये जो पुलिस वाला है उसको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है सुलेबिया के कब्रिस्तान में। उसका नाम है अब्दुल अजीज मोहम्मद अल रशीदी। पुलिस वाले की जो उम्र है अभी तक 29 साल की उम्र हुई है, और इस ये जो मामला हुआ ये अबू अलीफा के अंदर ये मामला हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई खबरें हमेशा मिल सकें। Thank you.